गुड मॉर्निंग बच्चों, ये कक्षा फिफ्थ के लिए मैं मैथ की वर्कशीट करवा रही हूँ। वर्कशीट है 58 और पेज नंबर भी 58 है। क्वेश्चन नंबर पहला है, फर्स्ट है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला लगेगा 4 × साइड। तो 4 × साइड क्या थी? 6 सेंटीमीटर। तो 4 × 6 सेंटीमीटर तो क्या आया? 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? 24 सेंटीमीटर। सेकंड है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 15 सेंटीमीटर। अब है रेक्टेंगल रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है। इसका फॉर्मूला है 2 × एल से क्या बना? लेंथ प्लस बी से क्या बना? ब्रेथ। इसका लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट बंद, इसका नीचे लगेगा 2 × 4 + 15 सेंटीमीटर। 2 × 15 और 4 को प्लस किया तो क्या आया? 19। 2 × 19 सेंटीमीटर। हमने 19 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? 38 सेंटीमीटर। थर्ड है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हुज ए से एरिया है 192 मीटर स्क्वेयर एंड ब्रेथ इज 8 मीटर। तो एरिया कितना है? 192 मीटर स्क्वेयर। ब्रेथ है कितनी है? 8 मीटर। अब हमें क्या निकालनी है? लेंथ। लेंथ का फार्मूला है ए अपॉन बी, बी से क्या बना? ब्रेथ। तो क्या 192 / 8, इसको हमने काटा तो क्या है? 24 मीटर। फोर्थ है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 14 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है? साइड × साइड। 14 सेंटीमीटर × 14 सेंटीमीटर, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? 196 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आगे फिफ्थ नंबर है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विद लेंथ 17 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 13 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो 17 है लेंथ, 17 × 13 सेंटीमीटर स्क्वेयर तो क्या आएगा? 321 सेंटीमीटर स्क्वेयर। बच्चों, ये साफ साफ करना है और तरीके से करना, समझ के करना है। थैंक यू।